हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइक। जी हाँ गाइस, यही है R15M, लेकिन मेरी वाली की जैसी नहीं है बिल्कुल भी। मेरी वाली थोड़ी बहुत मॉडिफाइड है, मतलब मेरे टेस्ट के हिसाब से ये वाली बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वेनम एडिशन है, मतलब आती नहीं है, भाई ने रैप करवाई है। तो बहुत ही ख़तरनाक लग रही है, आप लोग कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है। खैर, मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त बाइक लग रही है। ये भी पूरी बाइक मॉडिफाइड है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आपको मैं एक राउंड देता हूँ कैसी लग रही है बाइक। होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। मुझे तो यार बहुत ही फर्स्ट इंप्रेशन ही में, जब मैं अभी लाया हूँ ये बाइक, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, तब देख सकते हैं आप लोग। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बताना आप लोगों को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं, दोनों वेनम की आइज बनाई गई हैं। ये आपका वेनम लिखा हुआ है बीच में, और उसके बाद ये देखिए अपना वेनम का, अपना ये ऊपर का वाइज़र लगा हुआ है, बहुत ही शानदार लग रहा है। उसके बाद भाई नीचे आ जाएं तो यहाँ पर पूरा ब्लैक कराया गया है, इधर थोड़ा सा रेड है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। पूरे दांत बने हुए हैं, बहुत ही ख़तरनाक इसमें शार्प हैं काफ़ी। और उसके बाद इंडिकेटर जो हैं इसके अलग लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि उसके बाद यहाँ पर भाई वेनम लिखाए हुए हैं, ये भाई कंपनी वाले R15 वाले जो आते हैं टैंक, सॉरी 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 सॉरी, अरे टैंक सॉरी मैं बता रहा हूँ। फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं, ये वो जो लंबे वाले आते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब बचा लेते हैं गाड़ी को, लेकिन लुक वाइज ये ज़्यादा अच्छे हैं। ये इंजन केस लगा हुआ है, मतलब की चेन वाला, मतलब कुछ भी जो इसकी वो होती है, अरे कहना क्या चाहते हो, अपनी चेन का कवर है वो है। और उसके बाद गाइस इसमें क्विक शिफ्टर मिलता है आप लोगों को, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसको बस मॉडिफाई किया गया है, ये R15M ही। उसके बाद गाइस यहाँ पर वेनम लिखा हुआ है, बहुत ही तगड़ा टेल टाइडी हो रखी है बाइक की। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इंडिकेटर अलग से लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये पूरी ब्लैक की गई है, बहुत ही शानदार लग रही है। और इसके एग्जॉस्ट में भाई मैजिक किया गया है, अभी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ इसको। इधर से भी भाई वेनम अपना, ये देखिए दांत इसके कितने ख़तरनाक लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ ब्लैक स्पाइडरमैन का अपना छोटा सा सिंबल बना हुआ है, टैंक पैड है बाइक पर। और इसके जो है ब्रेक जो हैं वो मॉडिफाइड हैं, जैसे कि मेरे ब्लू हैं, इसके सिल्वर हैं। और ऊपर ये यामाहा का लगा हुआ है ब्रेक ऑयल जो पड़ता है उसमें, उसका कवर है। उसके बाद मिरर जो है स्टॉक ही हैं, पहले भाई बता रहे थे कि इन्होंने बदलवाए थे, लेकिन वो शायद एक्सीडेंट की वजह से क्रैश हो गए। और यहाँ पर इन्होंने एक विंगलेट लगवाया था, वो भी नहीं है। तो दो चीज़ें मिसिंग है इसमें, बाकी भाई पूरी गाड़ी मॉडिफाइड है। देखिए क्लच भी आप देख सकते हैं, ये भी एडजस्टेबल है। इसमें जो है आप अगर ऊपर करते हैं इसको तो एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये वन पे आ गया, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होता एडजस्ट हो जाता है जिस पे भी आप छोड़ेंगे। उसके बाद गाइस चाबी नॉर्मल है, की चेन लगा हुआ है इस पर, मीटर कंसोल भी एकदम वैसे ही है मेरी बाइक जैसा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। अब ज़रा इसकी एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं हम आपको। गियर में है भाई, पहले न्यूट्रल कर लें। न्यूट्रल हो चुकी है, अब इसका एक बार आप लोगों को साउंड सुनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त साउंड कर रही है भाई, सुनिएगा। बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को साउंड इस बाइक का, ज़बरदस्त लग रहा है कि नहीं। तो गाइस कुछ इस तरीके की है ये बाइक, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो जो चीज़ें इसमें लगी हैं मैंने आप लोगों को बता दी। भाई बहुत ही शानदार लग रही है ये, आप लोग देख सकते हैं लुक इसका, भाई बहुत ही शानदार है, एकदम गॉर्जियस लग रही है। मैन GoPro का स्टिकर भी चिपका हुआ है इस पर, बहुत ही ज़बरदस्त बाइक लग रही भाई। ये
ये जो दांत बने हुए हैं ना इसके, बहुत शार्प, बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। तो अब ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, इसको राइड करते हैं और बताते हैं आपको आगे इसके बारे में। तो लेट्स गो। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं R15M पे, मॉडिफाइड वाली वेनम एडिशन पे। तो एक दोस्त मारता है तो अलग ही पागलों की तरह भाग रही है भाई, मतलब 130 मिनट टच कर लिया अभी इतनी सी जगह पे भाई साहब, क्या बाइक है ये भाई, क्रेजी मैन, मतलब इतनी खतरनाक है। आप लोग देख सकते हैं कि मतलब छोटे से स्प्रेड में जो है इतनी ज़्यादा खींच गई है ये, 130 तक चली गई भाई। एक मुझे एयर फिल्टर बदलवाने से सिर्फ इतना होता है, इसमें जो है एयर फिल्टर चेंज है, एयर फिल्टर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है। आप उसका जो साउंड है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ रहा है और ऊपर से ये भाग भी बहुत बढ़िया आ रही है। तो अब थोड़ा एक राउंड और मारते हैं उधर से। देखते हैं वीडियो पड़ेगी। खड़ी बाइक पर ही होगा, हो गया।
आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर अच्छी लगी आपको मेरी वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वेनम कैसी लगी। मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है ये बाइक, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मुझे तो भाई मज़ा ही आ गया इसको चला के एकदम। तो बस गाइस अब चलते हैं, एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या, गुड बाय।